लाहौल घाटी में पिछले दो दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो है घाटी में करीब 4 इंच से लेकर 10 इंच तक बर्फबारी पूरे लाहौल घाटी में हुई है। इसके साथ साथ जो लंबे समय से एक बर्फबारी नहीं होने से सूखे का दौर चला हुआ था वो लगभग अब खत्म हो गया है और इससे किसान और बागवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप अभी आप देख सकते हैं कि बर्फबारी काफी जोरों से हो रही है और इस समय जो है जो बर्फबारी का सिलसिला जो है अब क्योंकि 2 तारीख तक मौसम विज्ञान केंद्र ने इस तरह की संभावना जताई है, अब देखना होगा कि यह सिलसिला कब तक जारी रहता है। जहां तक सड़कों की बात की जाए तो फिलहाल जो है केलोंग मनाली सड़क मार्ग जो है वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। इसके साथ साथ तांदी तिंदी सड़क मार्ग और इसके साथ केलोंग दारचा सड़क मार्ग भी जो बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। मेरे साथ एक यहाँ के किसान हैं, उनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ये बर्फबारी हो रही है उन्हें जो है कितने का फायदा जो है इस बर्फबारी से मिलने की उम्मीद है। जी नमस्कार जी, हमें तो बहुत खुशी की बात है कि हमें बर्फ गिर गई है और इससे हमारे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और हमारी यही आय का स्रोत है। अगर बर्फबारी होगी तो हमारी आमदनी भी और जमीन में फसल भी अच्छी पैदावार होती है। आप देख सकते हैं इस समय नजारा लाहौल घाटी का, काफी जोरदार जो है बर्फबारी इस समय हो रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि ये सिलसिला जो है 2 फरवरी तक चलेगा, इस तरह की भविष्यवाणी जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने की है। लाहौल घाटी में पिछले 2 दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते जो है घाटी में करीब 4 इंच से लेकर 10 इंच तक बर्फबारी पूरे लाहौल घाटी में हुई है। इसके साथ साथ जो लंबे समय से एक बर्फबारी नहीं होने से सूखे का दौर चला हुआ था वो लगभग अब खत्म हो गया है और इससे किसान और बागवान काफी खुश नजर आ रहे हैं। आप अभी आप देख सकते हैं कि बर्फबारी काफी जोरों से हो रही है और इस समय जो है जो बर्फबारी का सिलसिला जो है अब क्योंकि 2 तारीख तक मौसम विज्ञान केंद्र ने इस तरह की संभावना जताई है, अब देखना होगा कि यह सिलसिला कब तक जारी रहता है। जहां तक सड़कों की बात की जाए तो फिलहाल जो है केलोंग मनाली सड़क मार्ग जो है वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद है। इसके साथ साथ तांदी तिंदी सड़क मार्ग और इसके साथ केलोंग दारचा सड़क मार्ग भी जो बर्फबारी के चलते बंद हो गया है। मेरे साथ एक यहाँ के किसान हैं, उनसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से ये बर्फबारी हो रही है उन्हें जो है कितने का फायदा जो है इस बर्फबारी से मिलने की उम्मीद है। जी नमस्कार जी, हमें तो बहुत खुशी की बात है कि हमें बर्फ गिर गई है और इससे हमारे किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और हमारी यही आय का स्रोत है। अगर बर्फबारी होगी तो हमारी आमदनी भी और जमीन में फसल भी अच्छी पैदावार होती है। आप देख सकते हैं इस समय नजारा लाहौल घाटी का, काफी जोरदार जो है बर्फबारी इस समय हो रही है। अब उम्मीद की जा रही है कि ये सिलसिला जो है 2 फरवरी तक चलेगा, इस तरह की भविष्यवाणी जो है मौसम विज्ञान केंद्र ने की है। न्यूज 18 हिमाचल के लिए लाल सुपति से प्रेम लाल।